हाई गुड आफ्टरनून टू ऑल माई व्यूअर्स, दिस इज शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारी क्रिकेट न्यूज एंड अपडेट्स की जो कल और आज की दुनिया में हो रहा है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, सबसे अलार्मिंग न्यूज है कि BCCI की तरफ से कुछ खबरें आ रही हैं दैट BCCI इज नॉट हैप्पी विद सर्टन प्लेयर्स रिगार्डिंग देयर एटीट्यूड इन द रेड बॉल फॉर्मैट। तो भाई रेड बॉल फॉर्मैट तो सबको पता है टेस्ट क्रिकेट होता है एंड हमारे कुछ प्लेयर्स हैं वो ज्यादा टेस्ट क्रिकेट को आजकल अहमियत नहीं दे रहे हैं। कोई पर्सनल रीजन से बाहर हो जाता है, कोई इंजरी से बाहर हो जाता है, कोई कुछ कुछ बहाने लगा के बाहर हो जाता है। तो BCCI ने इस चीज का नोट कर लिया है एंड ही इट हैज स्टेटेड सर्टन सोर्सेज आर सेइंग दैट दे आर नॉट हैप्पी द वे द प्लेयर्स आर रिस्पॉन्डिंग टुवर्ड्स रेड बॉल क्रिकेट एंड वो ज्यादा जो है IPL की तरफ, लीग्स की तरफ, T20 क्रिकेट की तरफ फोकस कर रहे हैं। तो भाई इसमें किस इंडिविजुअल की बात हो रही है, मेरे दिमाग में बहुत सारे नाम आते हैं। तो सबसे पहले विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, किसी की भी आप बात कर लीजिए, आप मुझे बताइए अपने व्यूअर्स क्या सोचते हैं कि मेरे दिमाग में तो सिर्फ दो नाम आए थे, सबसे पहले विराट कोहली एंड देन यू नो हार्दिक पांड्या। जिस तरीके से रेड बॉल फॉर्मेट को, टेस्ट क्रिकेट को ट्रीट करा जा रहा है, प्लेयर्स कभी किसी पर्सनल रीजन से अनअवेलेबल होते हैं तो कोई प्लेयर्स जो है वो टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल ही मना कर देते हैं दैट हम टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो BCCI हैज टेकन नोट, लेकिन नोट लेने या बुरा लगने से कुछ नहीं होगा, BCCI को इस चीज पे एक्शन लेना पड़ेगा कि भाई क्यों प्लेयर्स जो हैं वो नहीं खेलना चाहते इंटरनेशनल। ऐसा कोई रूल निकालना पड़ेगा कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट के लिए अवेलेबल नहीं है, रेड बॉल के लिए अपने कंट्री के सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है तो आप लीग क्रिकेट भी नहीं खेल सकते। तो अगर ऐसा कोई रूल आता है तो देन दैट विल बी वेरी वेरी गुड, बिकॉज देन सारे जो ये लोग हैं, कोई पर्सनल रीजन, कोई इंजरी, कोई टेस्ट फॉर्मेट के लिए मेरी बॉडी नहीं बनी है, ये वो करके ये सारे बहाने बंद हो जाएंगे। ईशान किशन जो है वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस पूरे स्टोरी पे, क्योंकि वो जो है उनको रांची बोला था कि डोमेस्टिक जाके खेलिए, यू नो क्रिकेट में वापस आइए, फिर आपको टेस्ट क्रिकेट टेस्ट स्क्वाड के लिए कंसिडर किया जाएगा। लेकिन वो जाके हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या के साथ वो रिलायंस स्टेडियम में जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर मुंबई इंडियंस ऑन दी IPL। तो भाई ईशान किशन का भी नाम इस चीज में बहुत फिगर करता है, तो क्या वो विराट कोहली है, क्या वो हार्दिक पांड्या है, क्या वो ईशान किशन है, ये तो भाई BCCI बेटर बना सकती है, बट ये सारे जो नाम हैं वो हमारे सामने बिल्कुल स्टार्कली सामने आ रहे हैं कि ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो रेड बॉल क्रिकेट को अहमियत ना देके लीग को क्रिकेट को अहमियत दे रहे हैं। तो भाई अगर BCCI ऐसा रूल बनाती है दैट IPL आप नहीं खेल सकते जब तक कि आप अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, अगर आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है BCCI के साथ, तो आपको तीनों फॉर्मेट्स के लिए अवेलेबल होना होगा सिलेक्शन के लिए। वो सिलेक्टर्स की चॉइस है, वो आपको टीम में रखते हैं, स्क्वाड में रखते हैं या नहीं रखते हैं, एंड अगर वो आपको रखते हैं तो आपको खेलना पड़ेगा एंड आप लीग क्रिकेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते ओवर सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड, फॉर द सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स एंड इंटरनेशनल क्रिकेट। तो भाई ऐसा रूल डेफिनेटली आएगा तो सारे जो ये हैं ये सारे सुधर जाएंगे, लाइन पे आ जाएंगे। ज्यादा ये जो IPL का चस्का चढ़ा है, पैसे कमाने का चस्का चढ़ा है, कंट्री को सेकेंड प्रायोरिटी देने का चस्का चढ़ा है, ये सारा जो है पीछे हो जाएगा एंड देन पीपल विल स्टार्ट गेटिंग देयर प्रायोरिटीज राइट। तो आई थिंक इट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन बाय BCCI और अगर ये रूल पास हो जाता है कि भाई अगर आप टेस्ट क्रिकेट नहीं अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए तो आप IPL उस साल नहीं खेलेंगे, तो भाई ये तो भाई बड़ी फैंटास्टिक न्यूज हो जाएगी जो आपके और हमारे जैसे क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए ये प्रॉपर जस्टिस होगा दैट लीग क्रिकेट को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी एंड इंटरनेशनल क्रिकेट को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो भाई आप लोग भी मुझे अपने नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको किन प्लेयर्स का ऐसा लग रहा है कि BCCI किन प्लेयर्स पे उंगली उठा रही है कि ये प्लेयर्स ही हैं जो आज कल थोड़ी गड़बड़ी करने में तेज हैं। क्या आप समझते हैं कि वो विराट कोहली है या वो हार्दिक पांड्या है या वो ईशान किशन है जिसके वजह से ये सारा जो मुद्दा है वो उठ गया है। सो वील सी दिस स्टोरी एंड हम तो होप प्रे कर रहे हैं कि ऐसा कोई रूल आ जाए ताकि IPL जो है वो डिपेंडेंट हो जाए आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट की अवेलेबिलिटी एंड सिलेक्शन पे। उस अगर ऐसा आता है तो भाई हार्दिक पांड्या जी को तो बड़ी दिक्कतें होने वाली हैं, क्योंकि वो तो खुलेआम डंके की चोट पे बोलते हैं कि मैं तो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मैं अवेलेबल हूं नहीं, मेरी बॉडी उसके लिए मेड नहीं है। तो भाई फिर देखिए उनको, ऐसे लोगों को काफी पंगा बढ़ सकता है एंड उनके नक्शे कदम पे जो ईशान किशन भी चल रहे हैं उनको भी काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है।
सो भाई इसके अलावा जो है काफी और भी खबरें हैं। पहली बात तो भाई काफी कंफर्म न्यूज आ रही है दैट ध्रुव जुरेल जो है उनको शायद मौका दिया जाएगा थर्ड टेस्ट मैच में जो राजकोट में शुरू होने वाला है 15 फरवरी से। तो ध्रुव जुरेल को काफी उनका नाम सामने आ रहा है, शायद केएस भरत को ड्रॉप किया जाएगा, ध्रुव जुरेल को खिलाया जाएगा। तो आई थिंक दिस इज अ गुड चॉइस बिकॉज आई एम श्योर ध्रुव जुरेल जो है वो एटलीस्ट केएस भरत हमारे श्री श्री केएस गिलक्रिस्ट साहब से तो बेटर ही परफॉर्म कर पाएंगे। तो आई थिंक ध्रुव जुरेल इज अ गुड ऑप्शन। देखिए अब अगर ईशान किशन अवेलेबल फॉर सिलेक्शन होते, खेल रहे होते टीम के लिए, टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते कंट्री के लिए, तो यहां उनका नाम आता एंड नॉट अ यंगस्टर लाइक ध्रुव जुरेल। बट बिकॉज ईशान किशन चोज प्रायोरिटी ऑफ आईपीएल प्रैक्टिसिंग फॉर द आईपीएल विद हार्दिक पांड्या एंड ही इज नॉट अवेलेबल फॉर सिलेक्शन इन टेस्ट क्रिकेट, तो देखिए ध्रुव जुरेल जैसे यंगस्टर पे इतना प्रेशर आ जाएगा एंड इंग्लैंड के साथ उनको फेस करना पड़ेगा। तो भाई आई होप यंगस्टर को चांस मिला है। देखिए ऐसे ही यंगस्टर्स को चांस मिलता है और ऐसे ही बड़ी बड़ी स्टोरीज बनाई जाती है। क्या पता ध्रुव जुरेल बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे दे एंड देन जो सिलेक्टर्स हैं वो दोबारा से ईशान किशन की तरफ देखे भी ना एंड ना हम फैंस। तो भाई हमें पॉजिटिव रहना है कि मे बी ध्रुव जुरेल दैट्स अ गुड जॉब फॉर इंडिया एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट। एक और वीडियो थी मैंने जिसमें ध्रुव जुरेल के बारे में काफी डिटेल स्टैटिस्टिक्स निकाले थे, तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगी। तो अगर किसी को ध्रुव जुरेल की स्टैटिस्टिक्स, उनकी हिस्ट्री के बारे में जानना है तो वो मेरी पुरानी वीडियो है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। एक महीने पुरानी शायद वीडियो है जब इनको टेस्ट फॉर्मेट में स्क्वाड में इंक्लूड किया गया था तब हमने वो वीडियो बनाई थी, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आप ध्रुव के स्टैटिस्टिक्स ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं। तो इसके अलावा जो है कल मैच था ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंडिया अंडर-19 फाइनल, वो हम हार गए अनफॉर्चुनेटली, बहुत बुरी न्यूज थी। हमारे जो व्यूअर्स थे काफी डिसअपॉइंटेड थे, मैं भी खुद काफी डिसअपॉइंटेड थी एंड ये ऑस्ट्रेलिया वालों का तो कोई तोड़ ही नहीं निकल रहा, बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो गई है। 3 फाइनल्स जो है हम आईसीसी के हार चुके हैं पिछले 8 महीने में, WTC फाइनल, ODI वर्ल्ड कप फाइनल एंड नाउ अंडर-19 फाइनल। तो ऑस्ट्रेलिया हमारे नाक पे दम करके बैठा हुआ है, फाइनल हमें जीतने नहीं दे रहा है। तो गले में जैसे हड्डी जो है अटक जाती है वैसे ही ऑस्ट्रेलिया इंडियन क्रिकेट टीम और आईसीसी ट्रॉफी के बीच में खड़ा हुआ है, अटका हुआ है। सो वी फील बैड फॉर द बॉयज बट बॉयज प्लेड वेल ऑल थ्रू आउट द टूर्नामेंट, पूरे टूर्नामेंट वो अनबीटन थे, तो हम उनको बैक करेंगे, उनको इनकरेज करेंगे ताकि फ्यूचर में जाके वो इंडिया में अच्छी परफॉर्मेंस दे इंडिया के लिए। इसके अलावा एक और मैच था जहां ग्लेन मैक्सवेल जी बड़े शाइन किए थे, उन्होंने 122 रन बनाए थे शायद इन 55 बॉल्स, तो भाई स्मैशिंग सेंचुरी थी, 109 मीटर का सिक्स था एंड बहुत ही ज्यादा मजेदार एंड थ्रिलिंग वो मैच था। एंड उस मैच में एक वेस्ट इंडीज की विकेट थी वो रन आउट हो गए थे लेकिन ऑस्ट्रेलियंस ने अपील नहीं की तो वो विकेट नहीं दी गई, तो ऐसी ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी भी हो गई थी, बट ऑस्ट्रेलिया वो मैच आराम प्यार से जीत गया थैंक्स टू ग्लेन मैक्सवेल। तो भाई ग्लेन मैक्सवेल की तरफ से एक अल्कोहल की खबर आई थी कि वो पूरे रात जो थे नाइट क्लब में पार्टी कर रहे थे, उसके बाद उन्हें अरेस्ट कर दिया गया था। तो उनकी स्टेटमेंट आई है कि भाई मेरे से ज्यादा तो मेरी फैमिली जो है वो इफेक्ट हो गई थी इस बात से। तो भाई ग्लेन मैक्सवेल जी हमें तो पता ही है आप थोड़े मस्त मौला टाइप हैं, आपको जेल वेल का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो भाई अपने क्रिकेट में और अपनी मस्ती में इन्वॉल्व रहते हैं, बट यस फैमिली मेंबर्स को इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और ये जो है काफी सीरियस बात थी, ऐसी चीज जो है दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, स्पेशली सिंस यू आर अ फादर नाउ और आप एक रोल मॉडल है, तो आप भाई ऐसे ड्रंकन नाइट्स मत करिए नाइट क्लब्स में, स्पेशली जो है अरेस्ट मत होइए, जेल मत जाइए, जेल से थोड़ा दूर रहिए बिकॉज क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया नीड्स यू एंड दे नीड यू टू परफॉर्म वेल। तो भाई ये मैच था, एक तीसरा भी मैच था श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान एंड अफगानिस्तान 143-43 से 153 ऑल आउट हो गई, एकदम मेजर कोलैप्स हो गया, एकदम खत्म हो गई उनकी स्टोरी। सो दैट वाज वेरी वेरी सरप्राइजिंग कि भाई इतना मेजर कोलैप्स जबकि पिछले मैच में उन्होंने काफी फाइट की थी एंड काफी मुश्किल टाइम दे दिया था श्रीलंका को, चेज में वो लग गए थे लेकिन कल जो है उनकी स्टोरी
कुछ बीच में ही अटक गई। तो भाई दैट इज इट मोस्टली, मैंने सारी न्यूज कवर कर दी है। जैक लीश जो है वो टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं, इंग्लैंड के लिए वो नहीं खेलेंगे अब इंटायर टेस्ट सीरीज। अब देखा जाएगा कि उनकी रिप्लेसमेंट में कौन सा बॉलर आता है, अगर आता भी है तो अगर कौन सा बॉलर वो उनकी सब्स्टिट्यूट में लेते हैं। इसके अलावा आज 12th February है, आज जो है इंडिया की सारी टीम राजकोट पहुंच जाएगी। कल ही रोहित शर्मा के फोटोज आ रहे थे, उन्होंने फ्लाइट ले ली थी राजकोट के लिए, तो रोहित शर्मा वहां पहुंच गए हैं, बाकी टीम भी जो है आज के दिन पहुंच जाएगी। एंड शायद कल से जो है 13th February प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, क्योंकि 15th से जो है वो इंडिया का मैच है। चलिए दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, काफी सारी न्यूज हमने कवर कर दी। बीसीसीआई अगर कुछ प्लेयर्स के नाम लेता है और कुछ एक्शन लेता है तो भाई उसमें मजा आएगा, बिकॉज हमें बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि जो इंटरनेशनल सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड स्पेशली जो प्लेयर्स होते हैं वो आईपीएल को प्रायोरिटी दे और इंटरनेशनल को प्रायोरिटी ना दे। तो भाई टू बिग फॉर देयर बूट्स का वाला स्टोरी हो जाती है जब प्लेयर अपने आप को गेम से ज्यादा और कंट्री से ज्यादा समझने लग जाते हैं। सो वील फॉलो अप ऑन दैट स्टोरी। आप लोग कमेंट्स लिखना मत भूलिएगा कि किस प्लेयर्स की तरफ, किन प्लेयर्स की तरफ ये बीसीसीआई का इशारा है। आप मेरे से अग्री करते हैं कि ये हार्दिक पांड्या, ईशान किशन और विराट कोहली के बारे में बात हो रही है, या आपको लगता है कि कोई और प्लेयर्स हैं जो बीसीसीआई नोटिस कर रहा है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। हम रात को मिलेंगे अपने यूजुअल टाइम 10:15 बजे, जहां हम सारे डिस्कशन करेंगे अपने व्यूअर्स के साथ, उनके क्वेश्चंस लेंगे, ओपिनियंस लेंगे, एंड यू नो एक अच्छा सा मजेदार सा इंटरैक्टिव सेशन करेंगे। तो डू ज्वाइन मी देन। तब तक कि आप अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस या कमेंट्स हैं तो नीचे जरूर लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे टुडे।